अखिल भारतीय साहित्य परिषद जैसा कि हम सब जानते हैं इसका कार्य विस्तार संपूर्ण भारत में है और यह भारत की सभी संवैधानिक भाषाओं और सभी विधाओं में कार्य करते हैं। इस तरीके से देखें तो कार्यक्रम की दृष्टि से, विस्तार की दृष्टि से, गुणवत्ता की दृष्टि से ये बेहद महत्वपूर्ण और व्यापक संगठन है। इसीलिए क्योंकि जब नव संवत्सर का प्रारंभ होता है तो हमारे अनिवार्य कार्यक्रम है दूसरा वाल्मीकि जयंती और तीसरा व्यास जयंती। तो नव संवत्सर नएपन का तो है ही, नव वर्ष के आरंभ का भी है। इसके साथ साथ हम देखें कि नव संवत्सर में हम नव दुर्गों की उपासना भी करते हैं, इस शक्ति का आह्वान भी है। यह स्त्री की के मान मर्यादा और सम्मान का भी प्रतीक है। तो नव संवत्सर एक नए वर्ष के आरंभ के साथ साथ हमें हमारी उन समस्त भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़े रखता है जहां उस सत्य की उपासना करते हैं, जहां हम इन सब चीजों को देखते हैं। और दूसरा वाल्मीकि जयंती, वाल्मीकि जयंती हमारे आदि कवि वाल्मीकि के जन्मोत्सव से मानी जाती है। वाल्मीकि जिसे पहले जितना भी हमारा वैदिक साहित्य रहा वो समस्त साहित्य मौखिक परंपरा का साहित्य है और मौखिक परंपरा से वाचिक परंपरा से जब हम लेखन में आते हैं तो पहले आदि कवि वाल्मीकि जी हैं जो अभी प्रारंभ में हमारे महामंत्री जी ने जब अपना वक्तव्य दिया तो उस पर बात की थी कि इस तरह से हम करुणा और दया से साहित्य का निर्माण मानते हैं। तो करुणा और दया जहाँ के माध्यम से जो पहले छंद की निष्पत्ति करते हैं वाल्मीकि जी कोंच वध को देखकर और फिर क्या आता है हमारे सामने जीवन मूल्यों से युक्त रामायण। और महाकवि व्यास जी को यदि हम लें तो पूरे महाभारत जो कि कहते हैं कि जो भारत में नहीं अर्थात महाभारत में नहीं है अगर विश्व में नहीं है ब्रह्मांड में नहीं है तो साहित्य की कोई और जीवनचर्या की कोई भी ऐसी प्रवृत्ति महाभारत उसे नहीं छूटती जो कि विश्व में हो। तो इतने बड़े जो दो हमारे उपजीव्य काव्य हैं जो महाकाव्य हैं जिन पर ही आधारित लगभग हमारा 70% साहित्य आज भी इन दो महान ग्रंथों पर आधारित है। जब भी हम किसी भी युगीन परिस्थिति की बात करते हैं तो हम अपनी परंपरा में जब लौटते हैं तो हमें राम कृष्ण याद आते हैं और हमें रामायण और महाभारत से समस्त वो प्रसंग याद आते हैं जिन पर कि हम फिर से साहित्य की रचना करते हैं। आज भी हम देखें तो चाहे वो प्रसंग बदलते हों चाहे परिस्थितियां बदलकर हों लेकिन हमारे आधार ग्रंथ मुख्य रूप से रामायण और महाभारत है। तो तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि सवर्ण और दलितों का विभाजन करने की कोशिश, लेकिन यदि हम देखें तो ये मध्य काल में आकर प्रारंभ हुआ। अदरवाइज हम इसको देखें तो प्रारंभ में हमारा जो पूरा परंपरागत भारतीय ज्ञान परंपरा है वह कहीं भी इस तरह का विभाजन नहीं करती। यदि करती तो महर्षि वाल्मीकि को ऋषि भी नहीं महर्षि का दर्जा प्राप्त शायद नहीं होता। महर्षि वाल्मीकि राम के समकालीन रहे हैं और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में राम की संतान जो है वो प्रशिक्षण पाती है, उसका पालन होता है, पोषण होता है और समस्त शिक्षा लग उसको महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में मिलती है। सीता को आश्रय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में मिलता है। तो हमें आज की उन चुनौतियों का सामना करने के लिए जो कि समाज को तोड़ रही है हमारे साहित्यकारों को इस दिशा में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हीं महर्षि वाल्मीकि की जयंती हमारे साहित्य परिषद का अनिवार्य कार्यक्रम है, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और उस समय आश्रमों में इस बात पर भी गौर करने की बात है कि उस समय आश्रमों में न केवल ज्ञान की शिक्षा दी जा रही थी, न केवल संस्कारों की शिक्षा दी जा रही थी अपितु युद्ध की शिक्षा भी दी जा रही थी। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव उस युद्ध की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं और इतने उत्तम शिक्षा प्राप्त करते हैं कि राम की समस्त सेना को बड़ा अच्छा प्रत्युत्तर देते हैं। तो इस तरह से अब हम इन यदि कार्यक्रमों में जाएं, इस तरह के हम कार्यक्रम हमें
अपनी प्रत्येक इकाई में करने होते हैं। साहित्य परिषद की, जैसा कि भाई साहब ने प्रारंभ में बताया कि 695 इकाइयां हैं इस समय अधिवेशन के समय तक दिसंबर तक, तो उन समस्त 695 इकाइयों में महर्षि वाल्मीकि जयंती, चाहे कवि गोष्ठी के रूप में हो, साहित्यिक गोष्ठी के रूप में हो, या प्रतियोगिताओं के रूप में हो, किसी भी रूप में, किसी न किसी रूप में अनिवार्य कार्यक्रम के रूप में मनाई जाती है, और जहां अगर नहीं मनाई जाती है तो मनाई जानी चाहिए। समाज को दिशा भी प्रदान करता है। साहित्यकार प्रेमचंद के शब्दों में कहें तो समाज के, राजनीति के, सबके सामने मशाल लेकर चलता है। साहित्य समाज को दिशा देता है। और यदि हम पहले देखें तो पूरे पूरे रात भर जो काव्य गोष्ठियां होती थी उनसे बड़ी ऊर्जा मिलती थी। दिनकर के जो सिंहासन खाली करो की जनता आती है, ये नारा पूरे आपातकाल का केंद्र बिंदु बन गया था। उसी को लेकर पूरे समाज में संघर्ष चला था। हमने देखा, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 75-76 आपातकाल भी कुछ एक समय पूर्व की ही घटना है, 2-3 दशक पूर्व की। और उससे पहले स्वतंत्रता आंदोलन, आज जैसे कि हम स्वतंत्रता आंदोलन हमारे चर्चाओं के केंद्र में है, विभाजन विभीषिका हमारी चर्चाओं के केंद्र में है, तो यदि स्वतंत्रता आंदोलन की बात भी करें तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी जो नारे थे वो साहित्यकारों के नारे ही थे, जिसे लेकर राजनीति पूरी चली, जिसे लेकर पूरा स्वतंत्रता आंदोलन चला। आराम हराम है, या आप दूसरा देखें तो स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसके अलावा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे नारे थे जिन पर पूरा स्वतंत्रता आंदोलन चला। और ये नारे उस समय के साहित्यकारों, पत्रकारों, स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि वो अलग अलग नहीं थे, वो एक ही थे, उन्हीं के द्वारा लेकर चले गए और समाज को दिशा दी, क्रांति और विप्लव की बात की। और कभी कुछ ऐसी काम सुनाओ जिससे उतर उतर मच जाए, एक किलो इधर से आए, एक किलो इधर से जाए। ये युग बोध था, और ये युग बोध केवल उस समय के लिए नहीं था, ये हमें जो है लगातार हमारी जनता को प्रबोधन देता है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जानबूझकर देश में कुछ ऐसे विषयों को लिया गया जिससे कि देश की जनता, साहित्य में देश की जनता मोहन की तरफ जाए, देश की जनता धर्म, इतिहास, संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा से हटे। वो उसकी वजह यही हुई कि जब समाज के विषय ही हमारे केंद्र में नहीं रहे तो समाज और साहित्य, साहित्य जो है वो समाज से धीरे धीरे कटने लगा। साहित्य परिषद इसी उद्देश्य को लेकर निर्मित हुई कि फिर से समाज के विषयों को साहित्य का केंद्र बनाया जाए। यही कारण है कि साहित्य परिषद की विचार गोष्ठियों में फिर से धर्म, संस्कृति, लोक की बातें उठने लगी और वो विषय हमारे केंद्र में आने लगे। इसीलिए पीछे दिनों में जितनी भी साहित्य गोष्ठियां हुई उनमें वही विषय है, भाव रूप राम, साहित्य में राष्ट्रीयता के स्वर, और इस तरह के जो समस्त भारतीय भाषाओं को जोड़ने वाले विषय थे, जो समाज को लेकर आगे बढ़ने वाले विषय थे, वह साहित्य परिषद ने अपनी राष्ट्रीय संगोष्ठियों के केंद्र में